दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे चुटकियों में चेक कर सकते हैं कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो कहीं किसी ने हैक करके तो नहीं रखा हुआ है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारे फेसबुक पर मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, उस पर वीडियो डालते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद जब पैसा आपका आने वाला होता है तब आपको पता चलता है कि अरे यार आपका तो अकाउंट ही हैक हो गया है। तो आपको भी दोस्तों काफ़ी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आप बड़ी ही आसानी से अपने फ़ोन पर, अपने फेसबुक पर ही जाकर चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका फ़ोन पे से जो है आपका फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक तो नहीं किया हुआ है। तो काफ़ी आसान प्रोसेस है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार ध्यान से पूरा एंड तक देखिए, 2-3 मिनट की वीडियो होने वाली है, उसके बाद आप इजीली सीख जाएंगे। और फिर अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने फेसबुक को चेक जरूर करना है, और अगर आपका फेसबुक किसी ने हैक करके रखा हुआ होगा तो आपको फौरन पता चल जाएगा, तो आप उसे दोबारा यहां से लॉग आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि अपने फेसबुक अकाउंट को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना जो है फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब यहाँ पर आप जैसे फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, चाहे आपका फेसबुक प्रोफाइल हो या फिर आपका फेसबुक पेज हो, अगर आपकी प्रोफाइल हैक हो चुकी है तो दोस्तों आपका फेसबुक पेज ऑटोमेटिकली हैक हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको प्रोफाइल से ही चेक कर लेना, पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल से ही आपका पेज जो है वो लिंक होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा पेज सुरक्षित है, प्रोफाइल हैक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर प्रोफाइल हैक होगा तो पेज आपका 100% हैक होगा, जहाँ से आपकी इनकम होती है। तो अब आपको क्या करना, 3 लाइन पर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको आ जाना है। और अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी मोर इन अकाउंट सेंटर, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है। अब जैसे यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के नाम से, तो यहाँ पर आपको आना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, और आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहेगा वेयर यू आर लॉग इन, तो इसी पर आपको टाइप करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको आपके दोनों अकाउंट दिखाई दे रहे हैं, हमारे हमारा इंस्टाग्राम का, हमारा फेसबुक का। अब क्योंकि मेटा ने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है तो यहाँ से आप दोनों को चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे फेसबुक का चेक करना है, तो मैं ऊपर फेसबुक वाले पर टैप करूँगा यहाँ पर, और अब यहाँ पर एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो जैसे कि अब यहाँ पर अब आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपको पता चलेगा कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये अकाउंट 3 डिवाइस में लॉगिन है। यहाँ पर आप देखते हैं रियलमी 11 प्रो प्लस दिस डिवाइस, जो कि हमारी यही डिवाइस है, यहाँ पर इसी में लॉगिन है, और यहाँ पर वाराणसी इंडिया ये इसकी लोकेशन दिखा रहा है कि जिस लोकेशन से ये लॉगिन किया गया है, तो यहाँ पर ये लिख के आ रहा है, और ये यही डिवाइस है, तो मतलब इसमें तो हमें टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है कि ये तो चूँकि ये हमारी ही डिवाइस है। और अब सेकेंड नंबर पर यहाँ पर आप देखते हैं वन प्लस का फ़ोन दिखा रहा है, जिसकी लोकेशन इंडिया दिखा रहा है। तो दोस्तों ये भी हमारा ही फ़ोन है वन प्लस का ये, और इसमें भी यही सेम अकाउंट लॉगिन है, तो इसमें भी मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और थर्ड डिवाइस दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A21S लखनऊ 17 अगस्त को लॉगिन की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर ये डिवाइस हमारे पास नहीं है और इसमें ये लॉगिन है, तो अब हमारे पास ये दोनों हैं वन प्लस रियलमी है, इन दोनों में लॉगिन है, लेकिन अगर ये डिवाइस हमारे पास नहीं है और इसमें लॉगिन है, मतलब कि हमारा फ़ोन हैक हो चुका है, हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है। तो अब आपको अपने इसी से उस डिवाइस में इसे लॉग आउट कर देना है। तो इसे कैसे लॉग आउट करना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट पर जाना है, और अब यहाँ पर आपका सैमसंग गैलेक्सी A21 जो भी डिवाइस आपको लगता है कि इस डिवाइस में मैंने कभी अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं किया, आपको उसमें ऐसे सेलेक्ट कर देना है और लॉग आउट पर क्लिक कर देना है ऐसे। अब यहाँ पर कुछ प्रोसेस होगा, और देखिए यहाँ से सैमसंग गैलेक्सी वन प्लस हट गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी बहुत आसानी से इसे लॉग आउट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपका फेसबुक अकाउंट कहीं हैक तो नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।